तो जय साथियों, मैंने सार चारों में तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। होप कर रहा तुम लोग अच्छा ही कर रहे होगे। हर कोई तो अच्छा नहीं कर रहा है लॉकडाउन की वजह से, खासकर लेबर क्लास। जो मजदूर है जिनका काम था पड्डे कमाना पड्डे खाना, उनका तो पूरा ही लगा हुआ है। कुछ सेविंग तो हुआ नहीं था, उतना इनकम नहीं था कि सेविंग हो। और बहुत लोग थे जो मिस मैनेज कर रहे थे, लोग कमा भी रहे लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे। मैं लोकलिटी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो पर डे का 400-500 कमा लेते हैं मजदूरी करके, लेकिन वो सेव नहीं कर पाते। तारी वारी पी जाना, घर में खर्चा हो जाना, उन लोगों का तो प्रवाट लग गया। अपने एरिया में जितना मैं हो सके उतना हेल्प किया हूँ लोगों का। मेरा क्या एक सीमा है, उससे बाहर तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना हो सके उतना मैं किया हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से इधर कुछ खास हेल्प नहीं आया है। कहीं कई लोगों को सुनने को मिला है किसी किसी अकाउंट में 500 रुपये आया है, अब पता नहीं कितने अकाउंट में आया है। मेरे अकाउंट में तो नहीं आया है। मेरे आसपास भी प्रेस में भी किसी को नहीं मिला है 500, जिन्हें जो मैं जानता हूँ। हालांकि सुन रहा हूँ किसी किसी को पैसा आया है 500 रुपये, अब पता नहीं कितना रियलिटी कितना नहीं। ठीक है, प्लस अभी मेरे ख्याल से लॉकडाउन और बढ़ने वाला है, मैं श्योर नहीं हूँ। बहुत लोग अफवाह फैला रहा है, तो सुना हूँ कि कई जगह पर 30 तारीख तक रहेगा और कई जगह पर हट जाएगा 15 तारीख के बाद। ठीक है, उसे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी नाम का एक बंदा है यूट्यूब पर, सच मान लेना। बहुत ही हेल्प किया है मेरा पीछे पास्ट में, और बहुत ही अच्छा सा वीडियो बनाता है हेल्थ के ऊपर डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। उनका बहुत सारा वीडियोस है जो बहुत कुछ तुम्हारा आँख खोल देगा, तुम गिनी पिग नहीं बनोगे। अभी क्या है कि जो गरीब लोग हैं तो यार गिनी पिग के जैसे ही लोग ट्रीट कर रहा है, खासकर गवर्नमेंट यार। अब देखो जो बाहर के जो थे मिडिल क्लास, उनको लाने के लिए लोग फ्लाइट भेज दिए लोग के लिए आया, लेकिन जो यहाँ के लोग थे गरीब क्लास जो मजदूरी करते थे, उनको जाने आने को सुविधा नहीं। लोग भाग चलते चलते मर गए कई सारे लोग, देखोगे न्यूज में लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में और कई जगह पर। ठीक है, सही से मैनेज नहीं हुआ, सही से मैनेज किया जा सकता था लेकिन मैनेज नहीं हुआ। एनीवे ये होता रहता है, गरीब लोग का यही लाभ है यार। बस यही है कि तुम यार होशियार बनो, आगे बढ़ो, अच्छा रहेगा। वरना समझोगे नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई भी कुछ बोल दिया मानना नहीं चाहिए, दिमाग पर दौड़ना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी चीज़ पर रिएक्ट करना चाहिए। ऐसे ही नहीं, कोई भी कुछ बोल दिया टीवी में, कहीं भी कुछ बोल दिया तो ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। अगर रिसर्च नहीं करोगे ऐसे ही मान लोगे कोई भी कुछ बोल दे रहा है, तो समझ लो तुम मूर्ख हो। अब मूर्ख का तो ब्लॉगिंग में कोई काम ही नहीं है यार, छोड़ो जाओ कुछ और काम करो। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे तुम्हारा लेजी लोड, इमेज लेजी लोड के लिए कैसे किया जाए। अब देखो वर्डप्रेस के लिए बहुत सारा प्लगइन्स अवेलेबल है, बहुत सारा प्लगइन्स, लेकिन नॉन वर्डप्रेस पर कैसे इमेज को ऐसा कोड किया जाए जो इमेज जो है जब विजिटर स्क्रॉल करे तभी लोड हो। मतलब मान लो मेरा एक इमेज का वेबसाइट है, मल्टीपल उसमें इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस, और मैं चाहता हूँ जब विजिटर वो इमेज देखने जाए तभी वो इमेज खुले, फालतू का लोड ना हो। इससे क्या होगा कि मेरा साइट पर लोड कम पड़ेगा, उसके उसका नेट भी कम है, साइट का रैंकिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आज हम लोग वो डिटेल्स में देखेंगे कैसे क्या सकते हो तुम लोग ब्लॉगर में स्टार्ट वेबसाइट में, ताकि तुम्हें पूरा आइडिया हो जाए। ठीक है, बहुत ही काम है क्लास है, देख लो तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। वीडियो को आगे फर्स्ट यार, जो इमेजेस है, इमेजेस एक बहुत ही बड़ा फाइल होता है यार एक वेबसाइट के लिए। ठीक है, एक कोई वेबसाइट है उसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है वो इमेज ही होता है यार। ठीक है, तुम चाहो तो CSS ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लेकिन इमेज क्या है कि इमेज तुम्हें रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा इमेज बेस्ड वेबसाइट है या फिर मान लो कॉन्टेंट बेस्ड वेबसाइट है, तभी तुम्हें इमेज रखना पड़ेगा, ताकि जिससे क्वालिटी का रिचनेस बढ़े, जल्दी इंडेक्स हो, जल्दी रैंक हो। उसके लिए क्या है कि इमेज एक बड़ा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, बाल नहीं कट पा रहा है क्योंकि यह लॉकडाउन है, इसलिए वो ना कटवा लेता। ठीक, तो इमेज क्या है कि इमेज हम लोग को रखना ही पड़ता है क्वालिटी का, कोई ऑप्शन नहीं हम लोग पास। ठीक है, तो उसको वर्डप्रेस में क्या है कि कई सारा प्लगइन आता है, कई सारा प्लगइन जो मैं थीम दिया हूँ स्टेटस में, कोर्स में जो थीम दिया हूँ, वो सब क्या है कि A3 जो लेजी लोड का प्लगइन है उसके साथ वो थीम कॉम्पैटिबल है, काम करता है, कोई इशू नहीं है। जब तुम स्क्रॉल करो तभी वो लोड होगा। लेकिन ब्लॉगर में या फिर तुम मान लो स्टार्टअप वेबसाइट खुद से बना रहे थे, उसमें कैसे इंप्लीमेंट किया जाए लेजी लोड, ताकि इमेज तभी लोड हो जब वो व्यू में आए, ताकि तुम्हारा साइट का जो लोडिंग टाइम है और घटे, और साइट जल्दी से रैंक करे, विजिटर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। और विजिटर का एक्सपीरियंस अच्छा मतलब कि तुम्हारा रैंकिंग, सीधा सा बात है यार, सीधा सा कॉमन सेंस है यार, सीधा से कॉमन सेंस है। विजिटर खुश तुम्हारा साइट रैंक हो जाएगा, सीधा सा बात है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता, विजिटर खुद से साइट रैंक करेगा। तो मैं एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखा हूँ क्या पहले से था, मैं उसको मिनीफाई कर दिया हूँ ताकि तुम लोगों को सुविधा हो होस्ट करने में, बहुत ही छोटा कर दिया हूँ कोड को। तो कोड क्या है, कोड कुछ इस तरह से है, लेट मी शो यू। कोड नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि मिनीफाई कर दिया हो तो कोड पढ़ नहीं पाओगे तुम।
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जावास्क्रिप्ट कोड है, ठीक है। ये बस करता क्या है कि जो तुम इमेज बनाओगे, जब तुम इमेज कुछ डाल रहे हो तो उसको डालने का थोड़ा सा रूल चेंज हो गया है, ठीक है। एक मिनट मैं इसको एडिट कर देता हूँ, किधर गए, लेट मी एडिट। ये जो मैं जावास्क्रिप्ट कोड लिख दिया हूँ, इस पर करना क्या है कि तुम्हें बस जो इमेज डाल रहे हो, तो इमेज में क्या करते हैं नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट src कर देते हैं और इमेज का लोकेशन देते हैं। इसमें क्या करना है तुम्हें यार, वैसा डायरेक्ट src नहीं करना है, तुम्हें डाटा डैश src करना है उस इस जावास्क्रिप्ट के साथ। तो इससे क्या हुआ कि जो तुम्हारा इमेज लोड होगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जब तुम्हारा इमेज व्यू में आएगा तभी जो है ऑटोमेटिक जो है ये इमेज को लोड करेगा, ऐसे लोड नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल मेरा खुद का साइट है, एस कैलकुलेटर ग्रुप का दिखाता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। हालांकि कैसे साइट है लेकिन पता नहीं, मैं बाबा ऐसे खोल देता हूँ ताकि साथ जल्दी ना खोज ऐसे लिए, ठीक है। इंस्पेक्शन मैं दिखा रहा तुम्हें कैसे काम करता है, तुम लोग को आइडिया हो जाएगा। ध्यान से देखो स्क्रीन को यार, ठीक है। ये सब चीज़ फ्री में नहीं बोलना चाहिए था लेकिन क्या करे यार, वीडियो टॉपिक से नहीं मिलता यूट्यूब के लिए तो डालना पड़ता है फ्री में यार, वरना मैं सोचता कि पैसा वैसा लूँगा तुम लोगों से तब मैं तू सिखाऊँगा, अब फ्री में देना पड़ता है। देखो कि इस साइट में देखो क्या है, इस साइट में नीचे एक इमेज है, यहाँ पर देखें इमेज है यहाँ पर, चल मैं लोग बंद कर देता हूँ। नीचे भी दो इमेज है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कैचे में डिसेबल कर दिया यहाँ से, और देखो कैसे काम करते हैं। साइट को मैं रीलोड कर रहा हूँ, ठीक। तो एज यू कैन सी साइट जो है लोड हो गया है, नेटवर्किंग डिबगिंग अति डिसेबल किया हुआ कोड के द्वारा, ठीक है, जो भी हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो पूरा पूरा साइट लोड हो गया है लेकिन इमेज लोड नहीं हुआ है, यहाँ से देख रहे हो इमेज लोड नहीं हुआ है। यहाँ से देखो कहीं दिख रहा है इमेज, जूम पर तो कर नहीं पा रहा हूँ यार, इधर देखो, देखो यहाँ पर कहीं इमेज नहीं है, इसी यहाँ पर कोई भी इमेज फाइल लोड नहीं हुआ है, हालांकि वेसर में इमेज है, ठीक है। अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, डीबग ही मैं डिसेबल कर दिया, असल प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, ठीक है। तो जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, देखो स्क्रॉल करने से अब इमेज अपलोड लोड हो रहा है, ठीक है। फिर तो स्क्रॉल किया नीचे तो इमेज जो है लोड हुआ, देखो यहाँ इमेज लोड हुआ, उससे पहले इमेज लोड नहीं था, ठीक है। जब मैं स्क्रॉल किया हूँ तब ये दोनों इमेज लोड हुआ है, ये इमेज लोड हुआ है, ये इमेज भी लोड हुआ है, और ये इमेज भी लोड हुआ है स्क्रॉल करने के बाद, उससे पहले लोड नहीं हुआ था, ठीक है। डीबगिंग पोटेशन ऑन है इसलिए मैं दिखा नहीं पाया तुम लोगों को, लेकिन देखो इमेज कैसे मैं किया हूँ इसको, ठीक। इसको मैं कैसे किया हूँ देख लो यार, इमेज का सोर्स कोड देख लो इमेज का, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो जो मेन इमेज है तुम्हारा कहाँ की है, एच कैलकुलेटर का इमेज, ये देखो ये इमेज है img, ठीक है। और इसका देखो स्क्रिप्ट देखो क्या है, डाटा स्क्रिप्ट की जगह क्या है, डाटा इस तरह से लिखा हुआ, ठीक। क्लास दे देना है लेजी, क्लास है तभी काम करेगा, नहीं क्लास होगा तो नहीं काम करेगा, ठीक है। मैं तुम लोग को डेमो दिखाता हूँ फिर से, एक डॉक्यूमेंट्स बना के दिखाता हूँ, जैसे कि ये जो जावास्क्रिप्ट कोड है हम लोग यूज़ करेंगे। अब ब्लॉगर पर टेस्ट कर दिखाता हूँ, ठीक है। ब्लॉगर डॉट कॉम खोलते हैं, ठीक। यहाँ से देखो ब्लॉगर डॉट कॉम में खोलता हूँ और किसी एक वेबसाइट पर तुम्हें मैं लाइव डेमो दिखाता हूँ कैसे उसको लिखा जाए, ताकि जो तुम्हारा जो इमेज ऐसा काम करे कि जब वो विजिटर जो जब इमेज को देखने जाए तभी वो लोड हो, उससे पहले ना, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्या करे किस में माथा मारे, चलो इसी को पकड़ते हैं, अजरा न्यूज को पकड़ते हैं, ठीक। ये तो अनडिलीट है, अनडिलीट कर देते हैं इसको, ठीक। डेमो दिखाने के लिए मैं ऐसे पकड़ ले रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं। हालांकि अजरा न्यूज नाम का एक वेबसाइट खुलने का प्लान था पहले, लेकिन ट्रेडमार्क मिला नहीं इसलिए बंद कर दिया मैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यही एक पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक पोस्ट, ध्यान से देखो यार, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज़रूरी है काम का, ठीक। ऐसे पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक इमेज इंक्लूड कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा इमेज इंक्लूड कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोगों को। इमेज में क्लिक मारते हैं और देखते हैं कोई इमेज है अवेलेबल कि नहीं है, चूज़ करते हैं फ़ोटो, बस डेमो दिखाने के लिए, ठीक है। तो कहाँ गया इमेज, कुछ मिले बड़ा इमेज, हाँ चलो ये एक इमेज मिल रहा बड़ा, ठीक है। टेस्ट 1.0 एक क्लाइंट का काम कर रहा हूँ मैं साइट पर, ठीक है। तो इसको हम लोग पकड़ते हैं, ठीक, इसको हम लोग पकड़ते हैं और यहाँ पर इसको मैं ओरिजिनल साइज कर दिया हूँ, ठीक है। तो स्टाइलाइज कर देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। एडिट एस्टिमेट में जाता हूँ और देखता हूँ कि इमेज कहाँ पर है, जहाँ पर भी ये इमेज है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये इमेज तो यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंड हो रहा है इमेज, ठीक है। तो जो इमेज का src है तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे डाटा, कैसा था इसमें, यहाँ पर जो है ना डाटा डैश, ठीक है, DATA डाटा डैश src, ठीक।
और क्लास देना है हमको इमेज के अंदर, सी एल ए डबल एस क्लास लेजी, LAZY लेजी। ठीक है, ध्यान से देखो ये थोड़ा सा, जिन लोगों को कोडिंग नहीं आता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन नहीं आता कोडिंग तो कोडिंग सीखो भाई, क्या कर रहे हो तो। ठीक है, डाटा SRC और यहाँ पर देती है लेजी। अब क्या हुआ कि अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक अपडेट कर देता हूँ, और ऐसा तो इमेज खुलेगा नहीं, देखो ऐसे इमेज ये खुलेगा नहीं, नहीं खुलना चाहिए, देखो इमेज ऐसे नहीं खुल रहा है। ठीक है, ये इमेज जो है नहीं खुल रहा है, ठीक है, UL तो उसमें है जो लिख खुल जा रहा है, लेकिन ऐसे इमेज खुल नहीं रहा है। तो अब क्या अगर JavaScript इम्प्लीमेंट करेंगे, तो JavaScript कोड क्या है, ये है यहाँ से, यहाँ मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन एरिया में, ये JavaScript कोड का, तो तुम इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे अपने साइट में। ठीक है, लेआउट में जाके मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दिखाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट में सर में क्या है कि तुम बस फूटर में डाल दोगे, स्क्रिप्ट लिख के जो डाल दोगे। ठीक है, यहाँ भी मैं फूटर में डालूँगा इसमें, या तुम चाहो तो कहीं भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ऐड विजिट करने का, हाँ चलो साइड पर मैं ऑप्शन दिया है विजिट करने का, यहाँ पर मैं HTML JavaScript में क्लिक मारता हूँ और लिखता हूँ SCRIPT पेस्ट कर देता हूँ, और नीचे भी स्क्रिप्ट बंद कर देता हूँ SCRIPT script। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये जो यहाँ से कोड यहाँ पर हो गया, अब मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो कैसे काम करेगा, मैं इसको इंस्पेक्शन खोलता हूँ टूल्स, और नेटवर्किंग में जाते हैं, कैसे नहीं देखो यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो कैसा इमेज खुलेगा, देखो दिखा तुम, इमेज लोड हो गया, ये इमेज जो है अब लेजी लोड हुआ है, जब ये इमेज व्यू होगा तभी खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक बार और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो चलो मैं कुछ और इमेज भी डालता हूँ इसमें, या जो ये इमेज है इसी का मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें डालता हूँ फूटर एरिया में। ठीक है, फूटर एरिया में डालता हूँ, तो मैं इससे आइडिया हो जाएगा। तो मैं क्या करते हैं इसको, इसका जो है मैं URL कॉपी कर लेता हूँ, इमेज का लिंक कॉपी कर लेता हूँ इसका। ठीक है, ये लिंक कॉपी कर लिया इमेज का। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ ऐड विजेट में, और एक इमेज में ऐड करता हूँ, कोड लिखते हैं IMG टाटा, जूम कर दिखाता हूँ तुम्हें मैं, DATA डाटा डैश SRC। ठीक, जो इमेज का एड्रेस है वो। ठीक, और इसके अंदर इमेज के अंदर एक क्लास देना पड़ेगा लेजी, क्लास इक्वल टू LAZY लेजी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये कोडिंग क्लास में दे दूंगा मैं कोर्स के अंदर डिटेल्स में, ताकि समझ में आ जाए। तो ये मैं डाल दिया हूँ लेजी, इससे क्या हो रहा है कि जो JavaScript है वो क्या करेगा कि इसको देखिएगा कि ये क्लास का जो लेजी क्लास है वो उसको पकड़ेगा, और उसके अंदर जो इमेज में जो लिखा हुआ URL जो है डाटा SRC उसको कैप्चर कर लेगा, और जब ये व्यू पॉइंट में आएगा तभी जो है स्क्रिप्ट लोड करेगा। ठीक है, अब उसको सेव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सेव हो गया, अब मैं इसको इस पकड़ के मैं फूटर में डाल देता हूँ। चल भाई फूटर में चलता हूँ। ठीक है, कहाँ गया फूटर में, गया क्या खींच के फूटर में। ठीक है, तो फूटर में यहाँ पर आ गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो, जल्दी सेव हो जा भाई, नेट तो हीते है तब से क्या नहीं हो रहा है। हाँ हो गया सेव। तो यहाँ पर देखो मैं दोबारा स्पेशल टूल्स खोलता हूँ कि कैसे काम करता है, लाइव दिखा रहा था काम करता है कोड कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ रिफ्रेश मारा मैं। ठीक, तो एक इमेज तो लोड हो गया होगा, देखो अभी लोड हुआ, अभी स्कूल का तब लोड हुआ, इस पर लोड नहीं हुआ था। ठीक, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं जो है इमेज पकड़ता हूँ, देखो एक, देखो इमेज जो टेस्ट फॉन्ट जो है यहाँ पर, देखो इमेज ये अभी लोड हुआ है 48 KB का। ठीक है, टेस्ट फॉन्ट, ठीक है तेरा, और देखो फिर मैं लोड स्क्रॉल करूँगा तो फिर लोड होगा और इमेज, देखो एक फार इमेज देखो आ गया, पट दिखा रहा तेरा यहाँ पर, ये तुम्हारा 125 KB का है। समझ में आया ना, इस तरह से ये लॉजिक लोड प्लगइन काम करता है, मतलब ये जो JavaScript काम करता है। मैं हर तरह साइट में इम्प्लीमेंट करता हूँ, बस बोल दिया हूँ ताकि तुम लोग यार, और तुम लोग के लिए इजी हो जाए मुझे बिट करना मेरे पे कीवर्ड पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरा कीवर्ड कॉपी कर रहे हैं, मेरे कीवर्ड पर ही सेट ना रहे। अच्छा है, बनाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बना सकते हो, बस वो रैंक करके मैं DMC मार दूंगा, तुम्हारा डाउन हो जाएगा। ऐसा मैं करता हूँ, जो मैं सिर्फ कॉपी करता हूँ बस DMC मार देता हूँ, DMC मस्त काम करता है। ठीक है, तो ये जो रहा तुम्हारा JavaScript कोड जो है मैं तुम्हें देते रहा हूँ, ये स्टार्टिंग वेबसाइट ब्लॉगर पर काम करेगा, WordPress में तुम कोडिंग करके खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो तो और मस्त काम करेगा। हालांकि WordPress के लिए ऑलरेडी प्लगइन्स आता है,
ठीक है, ये गजब का चीज़ है। जो लेजी लोड जो है तुम्हारा, अगर सही से इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, तुम्हारा इमेज का स्पीड इतना बढ़ा देगा ना, तुम्हारा जो 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 मोबाइल फ्रेंडली तुम्हारा साइट इतना अच्छा हो जाएगा कि तुम्हारा क्विक क्विक खुलेगा, ये क्विक विजिटर को बहुत पसंद आएगा, बहुत ही पसंद। ठीक, लोडिंग में हमेशा रहेगा ना, उसका बैंड बहुत कम खाएगा, वो लोडिंग पर रहेगा ना इसके मोबाइल पर, तो साइट जो बहुत फास्ट खुलेगा, तो या तुम्हारा रैंकिंग में बहुत इंपैक्ट करेगा। बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है तुम्हारा इमेज का लेजी लोड होना। मेरा जितना भी साइट है सर्ट सब में मैं इमेज लेजी लोड यूज़ करता हूँ, ताकि जो है विजिटर जब स्क्रॉल करे तभी उसका इमेज दिखे, इमेज तभी लोड हो, फालतू का इमेज लोड ना हो भी मतलब का। क्योंकि अधिकांश साइट में क्या है कि मेरा विजिटर जो है इमेज देखना नहीं आता है, वो आता है कंटेंट यूज़ करना, ठीक है, टूल्स यूज़ करना है। लेकिन मैं इमेज देता हूँ SEO के लिए, ताकि रैंकिंग में जल्दी बेनिफिट्स मिले। ठीक, लेकिन डायरेक्ट इमेज डाल नहीं सकता, क्योंकि इमेज तो काम है ही नहीं विजिटर के लिए। तो क्या होता है कि ये रोबोट के लिए काम का है, लेकिन विजिटर के काम के लिए नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि लेजी लोड इसमें यूज़ करता हूँ, लेजी लोड। ठीक है, सो ये कोड रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत सिंपल सा है, वीडियो को रिपीट कर देख लेना, कुछ डाउट्स होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं लगा डिसलाइक कर दो। कुछ क्वेश्चन है तो आस्क लेना कमेंट सेक्शन में, और SEO कोर्स नहीं लिए हो तो कोर्स ले लो यार, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ। वीडियो आता रहेगा धीमे धीमे।